सबसे अहम मसला है वो पानी का मसला है। तमाम लोग डिपेंड होनी टैप वाटर पे डिपेंड हो गए हैं। पहले जो होता था कंडीपेट हिमायतसागर माजीरा और सिंगूर से आता था, मगर आप हुकूमत ने ये पानी कृष्णा से लेकर 200 किलोमीटर से कृष्णा फेस वन फेस टू फेस थ्री से उसी से हमारी सप्लाई हो रही है, अच्छी बात है। और उसके साथ एक अहम मसला ये है पानी का कि हमारे यहाँ पानी में आए दिन कोई भी तरीके से पोल्यूशन आता है। पोल्यूशन आने की रीजन ये है कि एक ही बालू से सीवर भी जाता है, उसी बालू से वाटर का प्रॉब्लम भी आता है। तो हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितनी पुरानी लाइन है, जो 20 साल लाइन डाल के हो गया या जो सीमेंट के पाइप है, उन सबको चेंज कर देना ताकि पोल्यूशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। वो प्रपोजल हमारा चल रहा है, आने वाले टाइम के ऊपर नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम पूरी नई वाटर पाइपलाइन चलाएंगे। और हमारी पार्टी के सदर साहब से भी कहेंगे आने वाले टाइम पे सीएम साहब से स्पेशल फंड ला के नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम पानी का डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें हमारे पार्टी के सदर नसीम अब्दुल्ला ने सबसे पहला प्लांट मेरे एरिए के अंदर अली नगर यानी आसिफ नगर डिवीजन के अंदर उनके जाती सरमाए से एक प्लांट डाल के वहाँ पे गरीबों को 20 लीटर पानी 2 रुपए में देना शुरू करा। एक और प्लांट उन्हीं के सरमाए से अहमदनगर डिवीजन सैयद नगर के अंदर एक और प्लांट डाला गया। उसके बाद में हमने हुकूमत से जो भी हमारे फंड होते हैं उसके अंदर आरो प्लांट की स्कीम्स निकाले, वो स्कीम के तहत आज अल्लाह का शुक्र है नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने 18 प्लांट डाल चुके हैं। आप 7 दिसंबर को मजलिस को वोट दीजिए, मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के बटन पे वोट दबाइए और पतंग को जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।